आइए हमें परमात्मा ने जो जीवन की अपूर्ण घड़ियाँ दी हैं, उन घड़ियों में जो सत्संग में हमारी घड़ियाँ की बीती है, गोस्वामी कहते हैं वो धन्य। आइए हम अपने श्वासों को इन घड़ियों को भगवान गुणानुवाद में बिताने का प्रयास करें। आइए हम थोड़ा सा पहले हनुमान जी का आह्वान, क्योंकि शक्ति उनसे मिलती है। Thank you.
हम आपने गुरुदेव का भगवान का आह्वान किया, क्यों आह्वान किया, कारण क्या है? कहते हैं घर के भीतर घोर अंधेरा, एक अंधेरा होता है जो सूर्य भगवान के निकलने से दूर हो जाता है, लेकिन घर के भीतर अंधेरा नहीं है, अंधेर है। क्या अंधेर है? घर के भीतर घोर अंधेरा है। अंधेर क्या है कि घट में घट को मिट्टी नहीं दिख रही, जबकि घट मिट्टी का ही बना हुआ। हम आप परमात्मा से ही बने हुए हैं और परमात्मा ही नहीं दिखाई दे रहा, बस ये अंधेर। हरि व्यापक और कहीं दिखाई दे रहा है, यही अंधेर है। वो है पर नजर ना आवे, ऐसा राम हमारा। तो इस अंधेरे को कौन दूर करेगा? सूर्य भगवान ही करेंगे, आपका लाइट पंखा नहीं करेगा। कौन करेगा? गुरुदेव हमारे आ जाओ, हमारे समय तो पत्थर है, लेकिन शायद किसी जोहरी के हाथ में पड़ जाए। फिर हम आप कहाँ बैठे हैं? इन जोहरियों के पास बैठे, ये समझने के लिए ये चिटी जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा, चिटी जल पावक हमारे लिए पत्थर है, क्योंकि हम इसका मूल नहीं जानते। और ये हीरा किसी जोहरे के हाथ में पड़ जाए तो क्या है? किसी ने कहा है अरे पशु की तो बने ही बने, इतना अधम है, समझ लेना हमारे लिए, क्योंकि हम इसका मूल नहीं जानते, परख नहीं पा रहे कि ये है क्या। कहते हैं
कहा है पशु की तो पन ही बने, लेकिन जिसकी पन ही नहीं बन सकती और पशु की खाल की पन ही बन सकती। पशु की तो पन ही बने जल्दी आओ जल्दी, और नर को कछु न होए, और नर से करनी बने तो नर से नर। आप जरा सोचो आप कहां पर हो, हम कहां पर हैं और ये कहां पर है। देखिए इसी तन को पा करके एक झाड़ लगा रहा है सड़क, इसी तन को पाकर यहां शब्द के रूप में बैठे, इसी तन को पाकर प्रधानमंत्री आज विश्व में पूजे जा रहे हैं, और इसी तन को पाकर परमात्मा सारा ब्रह्मांड का नायक बना है। हम आपने जान पाया इसकी वैल्यू, किसी गौरी के पास जाओ। फिर जो कितना मूल्यवान है आप समझ लो, अंदाज लगा लो, बस कहा नहीं जा सकता। अब जो ये पा रहा है, पा कौन रहा है, ये है वस्तु, ये है मैं, और इसको पा रहे हैं हम। शरीर को मिला है, और ऐसे नहीं मिला गलियों में जो मिल गया हूं, कैसे मिला है, कबहू के करी करना नर दे अधिक ईश बिनु के दूसरे। दूसरी बड़ी भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ। अब प्रश्न उठता ये है कि क्या हम जो पा रहा है, जो जो वस्तु मिली है वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन पाने वाला कहाँ है। बस इसका ये चिंतन कर लिया तो यही है अंधेरा जो गुरु दूर करते हैं। पाने वाला कौन है, आइए मानस क्या कहती है, आपस में देखना सुनना समझना अति आवश्यक है।
आई चले स्थल में जहाँ श्री राम और जानकी का शादी के पहले भेगोरा जानकी की महाराज श्री को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। भगवान भी जानकी को देख करके पसंद कर रहे हैं। कैसे आइए, क्या हमें शिक्षा मिलती है। भगवान उस बालिका में पहुंच रहे हैं। उधर जानकी की गौरी पूजन के बहाने हम आपकी शादी ब्याह करते हैं तो पहले घर में लड़का लड़की नहीं देखती, किसी महल में जा करके, किसी मंदिर में, किसी बाग में देखा जाता है। वही क्रिया यहाँ हो रही है। भगवान श्री राम पहुँच रहे हैं कहाँ, पुष्पाटिका में। बहाना है दुर्गा फूलने के लिए, वहाँ बहाना है गौरी पूजन के लिए। आइए, जिस समय भगवान श्री राम बहुत चंद मिनटों में बात खत्म करेंगे। भगवान श्री राम जानकी को देख रहे हैं, लेकिन सौभाग्य ये है कि बगल में छोटा भैया दिख रहा है। क्या होना चाहिए? भगवान जानकी को देख करके लखनलाल से कहते, लखनलाल देखो जरा, जरा अपने निगाह जरा ऊपर करो, क्या नीचे किए हो, देखो जरा सामने कौन है। महाराज कहते हैं, मन महाराज आप ही देखो और आप ही बताओ कि क्या है। कहते हैं क्या करूं कि जैसे लखनलाल जी
भगवान के मौजूदा होने के कारण ऊपर नहीं जा रहे। ऐसे ही हम आप समझे कि कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, ध्यान देना। हम देख पाए, तुम देख पाओ, ये देख पाए, हो सकता है अंधे हो जाए, लेकिन परमात्मा, तो ये समझो कि हम कुछ करने जा रहे हैं तो परमात्मा हमारे सामने खड़ा है, तो भैया बच जाओगे अपने आप, ये है भक्ति मार्ग। तो हमें आपको इन शिक्षाओं से, इन भगवान और सीता के मिलन से हमें अपने जीवन को सुधारना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी। क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जाई भी